वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ब्रेनी आवर चैनल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि स्लाइटली एडवांस लेवल के हैं, जो कि एग्जाम में आते हैं और हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल फॉर हिम मार्क्ड ₹280। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आपको ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन लगेगा। ₹280 मार्क्ड प्राइस है आर्टिकल का, उस पर 10% डिस्काउंट दिया हमने और स्टिल 26% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं इसको जस्ट समझाने के लिए इसको एक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। लेट अस सपोज ये कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर प्रॉफिट और इसके नीचे लॉस। तो अब होगा क्या कि जो भी इस केस में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, जो भी मार्क प्राइस है उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ और जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे है बिकॉज स्टिल प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन इस तरह से है कि इसका 10% कम कर दिया, मार्क प्राइस का 10% होता है डिस्काउंट, कम कर दिया तो ये प्राइस आ रहा है और ये प्रॉफिट है 26% का। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो क्या ये इजी क्वेश्चन है? इसको हम सिंपली सीधा कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हम वैसे तो इसका ओवरऑल परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और ये पूरा का पूरा परसेंटेज में करने के बाद रुपीज में एक बार में भी कर सकते हैं, बट सबसे ईजी रहेगा क्योंकि वैल्यू गिवन है, यहीं से शुरू कर देते हैं। ₹280 मार्क प्राइस है, उस पर 10% डिस्काउंट यानी कि ₹28 हो गया। पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे डिजिट छोड़ के, तो ये 10% डिस्काउंट आ गया। 10% इसमें से माइनस कर दो, 252 आ गया। ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कौन सा सेलिंग प्राइस है? ये 26% प्रॉफिट वाला। 26% प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस को हम 100 + 26 लिखते हैं यानी कि 126। हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 होता है। तो ये शॉर्टकट कौन सा कर रहे हैं हम? ये शॉर्टकट बहुत बार यूज करेंगे, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे दे तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट वाला, तो जो गिवन होता है उसी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो फाइंड करना होता है, जो रिक्वायर्ड होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये शॉर्टकट है। 252 सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू से डिवाइड कर दिया क्योंकि प्रॉफिट था 26%, तो 100 + 26। और जो निकालना है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 लिख दो, अगर प्रॉफिट इन रुपीज निकालना होता तो हमने 26 लिख देना था यहाँ पे। तो अभी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यहाँ पे। ये 2 से पूरा का पूरा मुझे दिख रहा है कि ये कट हो जाएगा, 200 आंसर है हमारा। तो ऑप्शन में मुझे 200 दिख नहीं रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। तो 200 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। A man sells an article at a gain of 10%. अब 10% का गेन हो रहा है ऑलरेडी उस मैन को, उस पर्सन को। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹132 लेस। अभी 132 भी लेस करना है। अगर क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज का होता तो ईजी होता। अभी इसमें कुछ वैल्यू भी दी हुई है तो इसको हमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा। ही वुड हैव स्टिल गेन 10% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर रहता है, ईजी रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लेट सी पी इज इक्वल टू एक्स नहीं लेना है हमने। हमने 100 तो ले नहीं सकते हम, 100 तो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब कोई एक्चुअल वैल्यू प्लस या माइनस करनी हो तो उसको हम कुछ वैल्यू नहीं अज्यूम कर पाते, उसमें एक्स तो आता ही आता है। और एक्स, सिर्फ एक्स लेने में हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाती, आंसर तो आ जाता, तो इसलिए हमने 100x ले लिया। तो 100x इज द कॉस्ट प्राइस। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनल सीपी है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल एसपी कितना होएगा? 10% गेन, इसका 10% ज्यादा कर दो तो 110x आ जाएगा ये। अब इफ ही हैड बॉट इट, इफ का मतलब तो वैसे होता है कि ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, हम उसको न्यू बोल देते हैं। चलो न्यू सीपी मतलब ये वो हाइपोथेटिकल वाला है। 10% लेस, इसका 10% लेस है 90x एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 132 लेस। ये 132 किससे लेस? जो ओरिजिनल एसपी था उससे, ओरिजिनल एसपी से 132 रुपीज लेस। तो रुपीज में है ये, तो इसको ऐसे किया। ही वुड हैव स्टिल गेन्ड 10%। अब इसको थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं बनाएंगे हम सिंपली बोलेंगे सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस ये है, इसको मैं जस्ट वैसे ही ब्रैकेट में लिख रहा हूं समझने के लिए, जरूरत नहीं थी ब्रैकेट की वैसे। सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस इज 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है? सीपी का ही होता है। इसका 10% लिख दो यहाँ पे, तो इसका 10% आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है हमने। इसको अगर हम सिंपली एक्स लेते तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है हमारे लिए, तो चलिए करते हैं हम इसको। 110x माइनस 90x, और ये 9x भी यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये 132 वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं सारी कैलकुलेशन एक साथ कर रहा हूँ। 110 माइनस 90 इज 20, 20 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये 11x आएगा। तो x आ रहा है हमारे पास 132 बाय 11 विच इज 12। तो अब आपको जल्दबाजी में कभी ऐसा नहीं देखना कि 12 आ गया ऑप्शन में आंसर नहीं है, इस तरह से नहीं करना है। तो सीपी तो था ही 100x, तो सीपी आ जाएगा 100 इंटू 12 यानी कि 1200, और ये रुपीज में वैल्यू आएगी 1200। ये हमारा आंसर है। तो ये टाइप है क्वेश्चन का, इसको टाइप को करने का तरीका ये कि आप इसको 100x मान के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाओ रादर देन इसको। हम ऐसा नहीं कर रहे थे कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट, आना यही था, बट वो हमारे लिए कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा लग जाते, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में ऐसे कर दिया। SP माइनस CP इज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या ऐसे निकाल दिया हमने, CP का सीधा 10% ही निकाल दिया जो गिवन था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये किस तरह का है। अब जो ये अगला क्वेश्चन है ये कोई ये भी अगेन एक स्टैंडर्ड टाइप में फिट नहीं होता है। अ पर्सन सोल्ड टू गुड्स एट सेम प्राइस ईच, दो गुड्स हैं उन दोनों का सेम सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये क्वेश्चन सेम सेलिंग प्राइस का है। ऑन वन ही गेन 35% एंड ऑन द अदर लॉस 10%, फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंट। एक पे 35% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 10% का लॉस है। तो इसका जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें ये और ये वैल्यू सेम दी होती है क्वेश्चन में, और उसका शॉर्टकट होता था, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लॉस परसेंटेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता था। जो प्रॉफिट परसेंटेज या दूसरे पे लॉस परसेंट दिया हुआ उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, उतना परसेंट का लॉस ही होता था सेम एसपी वाले क्वेश्चन में। पर ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से नहीं होएगा अभी, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल नहीं दी हुई है। तो क्वेश्चन को करना कैसे है इसका भी इजीली हम फॉर्मूला जो है हम बना सकते हैं, हमारे पास होता है, बट इतने फॉर्मूले याद रखने मुश्किल होते हैं। बेटर है कि इसका एक आप मेथड देख लो। मेथड कैसे करेंगे हम कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता है तो सेलिंग प्राइस 135 होएगा इस केस में, और इस केस में 100 माइनस 10 90 होएगा, 135 और 90। हमने 135 और 90 जो ये दो वैल्यूज हैं इनका एलसीएम, एलसीएम ले निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, पहले गैस करने की कोशिश करना। जैसे 135 का डबल 270 इसके टेबल में भी आता है, एग्जाम में डेफिनेटली थोड़ा इजी वैल्यूज दी होंगी। तो 135 का डबल 270 इसके टेबल में भी आता है, मतलब 270 इनका एलसीएम है। आपने लिखना है लेट एसपी इज इक्वल टू 270, ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। तो अब क्योंकि हमारे पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, दूसरे का भी 270 होगा। अब सीपी निकाल देते हैं, ये सेलिंग प्राइस है, हम कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। तो सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू से डिवाइड करना, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ये 2 से हो जाएगा कट, यहां पर लिख देता हूं 2। दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, ये ईच है, जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है वो भी 270 है, उसको 90 से डिवाइड किया लॉस वाले सेलिंग प्राइस से, और 100 का मतलब कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारे पास, ये 3 से कट हो जाएगा 300। तो ये एसपी है, ये दोनों सीपी हैं, दोनों के टोटल कर दो, टोटल सेलिंग प्राइस इनका टोटल, टोटल कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें क्लियरली दिख रहा है 40 रुपीज का आ रहा है, ये सीपी है, ओवरऑल सीपी, ओवरऑल एसपी, 40 रुपीज का प्रॉफिट है इनका डिफरेंस। और हमेशा 500 सीपी के ऊपर निकालते हैं तो 500 नीचे आ जाएगा इन 200, तो आंसर है हमारा 58040, हमारा आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 8%। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं एलसीएम लेके
ये एक मेथड है जिसमें कैलकुलेशंस इजी रहती हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है कि जो सपोज करना है सेलिंग प्राइसेस को, इक्वल सेलिंग प्राइसेस को, वो उन दोनों का, इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेना है हमने। ये 135 आया है, गेन है तो 100+35 से, और ये 90 आया है, लॉस है तो 100-10 उससे। एलसीएम इसलिए लिया है सो दैट ये कटिंग हो जाए, ये कट कर सके हम। तो ये मेथड है हमारा, तो इसको आप याद रखना एग्जाम के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हमारे चैनल पे दूसरे वीडियोस आप जरूर देखिए, आपको बहुत बहुत सारे बहुत अच्छे शॉर्टकट्स मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।